हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन टुडेज मेन्यू। तो चलिए आज हम बनाएंगे मैदे का हलवा जो झटपट भी बन जाता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो चलिए देखें इसमें क्या क्या इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले हम लेंगे इसमें 1 कप मैदा। अब 1 कप लीजिए, 2 कप लीजिए, जितना भी लेना लीजिए। जितना भी मैदा लीजिएगा उतना ही पिसी हुई चीनी, खड़ी चीनी नहीं, पिसी हुई उतनी ही चीनी और उतना ही घी। आप रेशियो को ध्यान से रख देखिएगा। और ये ड्राई फ्रूट है पतला पतला कटा हुआ, ये तो मैंने पिस्ता, बादाम, काजू, तरबूज के बीज ये सब लिया है। आप कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अब चलिए इसको हम तैयार करते हैं। तो पैन में हम पहले एक घी डाल देंगे पूरा 1 कप और इसको हम थोड़ा गर्म होने देंगे। जैसे ही थोड़ा गर्म होगा घी, ज़्यादा तेल गर्म, घी को गर्म नहीं करना, हल्का सा गर्म होगा तभी हमें मैदे को डाल देना है और मैदे को घी में इस तरह से भुनना है। इसको भुनने में 10 मिनट लग जाएगा। 10 मिनट मैदे को भुनने में लगेगा और उसके बाद 2 मिनट और, इसका टोटल टाइम है 15 मिनट में ये हलवा रेडी हो जाएगा। तो बस इसको लगातार चलाते हुए, छोड़ना नहीं है, लगातार चलाते हुए इसको हल्का सा पिंक कलर आने तक भुनना है। अब ये देखिए कलर चेंज हो गया है ये, तो अब इसके अंदर हम चीनी डाल देंगे। अब इसको भी हम 2 मिनट भुनेंगे। और इसके अंदर हम अब जितना चॉप किया हुआ ड्राई फ्रूट है वो सब डाल देंगे इसके अंदर एक एक करके, और थोड़ा थोड़ा सा बचा लिया ऊपर गार्निशिंग के लिए। और भुनते वक्त ही मैंने 1/2 चम्मच इलायची पाउडर भी इसमें डाला था। और बस ये हलवा रेडी हो चुका है। अब इसको हम डिश आउट कर लेंगे। ड्राई फ्रूट डालने के बाद भी 2 मिनट इसको भून लीजिए। अब इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। ये खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी होता है, एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा सा ऐसे दबा देंगे ऊपर से। और जितना भी गार्निशिंग के लिए ड्राई फ्रूट रखा था सारे को डाल के फिर से हल्का सा प्रेस कर देंगे। तो लीजिए हमारा ये बहुत ही मज़ेदार मैदे का हलवा रेडी हो गया है। अगर आपको लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक को भी फॉलो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए कल फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।